हेलो गाइस, मेरा नाम रजदीप राव और मेरा चैनल का नाम है टेक्नोलॉजी रजदीप चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, एडवांस लोन किस तरीके से आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं, और भी अपने मोबाइल के द्वारा से। जी हाँ, आप सही सुना है, आप मोबाइल से ही ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे। आज मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला, इसलिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलो वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं दोस्तों। नया पेज ओपन हो गया है दोस्तों, तो अभी यहाँ पर यूएन नंबर टाइप करना है। दोस्तों मेरा पास में अभी यूएन नंबर है, यूएन नंबर डाल कर देख रहा हूँ, साइनिंग करना है। आप देख रहे हैं दोस्तों, अभी नया पेज ओपन हो गया है मेरा पास में। यहाँ पर लेटर करना है, उसके बाद में ऊपर ऑनलाइन सर्विस है, वहाँ पर क्लिक करना है। ऑनलाइन क्लेम एडवांस में तो दोस्तों आज मैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मेरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, अभी यहाँ पर अकाउंट नंबर, जो भी यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया है वो सेम टू सेम होना चाहिए। जिस भी बैंक का यूएन में अटैच किया है अकाउंट नंबर, वही अकाउंट नंबर ही यहाँ पर टाइप करना है, तब जाके आप पीएफ का एडवांस लोन आप घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस अकाउंट में अकाउंट नंबर टाइप करने से पहले उसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अगर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होगा दोस्तों, तो आप एडवांस लोन का ऑनलाइन कर नहीं पाओगे दोस्तों। इसीलिए अब जितने भी हैं ये सब कुछ करके आपको रखना है। तो मैं अकाउंट नंबर टाइप कर रहा हूँ दोस्तों। और अकाउंट नंबर सही से लगाना दोस्तों, अभी वेरीफाई कर रहा हूँ दोस्तों। अभी यस करना है दोस्तों। तो नीचे दिया, नीचे देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम है, वहाँ पर क्लिक करना है। तो फिर से अभी नया पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट, तो पीएफ एडवांस में क्लिक किया हो दोस्तों। उसके बाद में फिर से जितना भी है सभी में भरना पड़ेगा, जो जो है अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट डाल रहा हूँ दोस्तों अभी। तो अमाउंट भर लिया हूँ दोस्तों। नीचे एम्प्लॉयमेंट एड्रेस है, यहाँ पर फुल एड्रेस देना है, आपका सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पीएस कौन सा है, ये सब देना है दोस्तों। और सही ढंग से दीजिएगा, नहीं तो एडवांस लोन में जो अभी ऑनलाइन करेगा उसमें रिजेक्ट भी हो सकता है दोस्तों। सही से फिल करना। और यहाँ पर लास्ट में एक पासबुक का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है दोस्तों, वो भी पासबुक का अपलोड करने के लिए 100 KB से ना 100 MB से 500 MB का बीच में होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर अपलोड करने नहीं सकोगे दोस्तों। इसलिए आप पहले ही उसको, अगर MB बहुत ज़्यादा है तो कम करके रख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा सबमिट करने के लिए। तो दोस्तों मैं अभी एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। दोनों ही एड्रेस में सेम टू सेम लगाना दोस्तों। दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और मेरा वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
आपको इसी तरह से वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। तो अभी तक मेरा फुल एड्रेस ठीक से फिलअप नहीं हुआ है दोस्तों, तो अभी कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि फिलअप करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। उसके बाद में यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद में सिटी चॉइस करना है सिटी कौन सा है, सिटी जो भी हो वही सिटी लगाना है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर 4 डिजिट पिन बोल रहा है, जो आपका पोस्ट ऑफिस का जो पिन नंबर होता है 6 डिजिट का, वो पिन नंबर वहाँ पर अटैच कर देना। उसके बाद में यहाँ पर चॉइस फाइल बोल रहा है, यहाँ पर पासबुक ये सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर मिनिमम 100 MB से 500 KB का बीच में होना चाहिए दोस्तों। तो अभी मैं अपलोड करूँगा दोस्तों, मैं तो पहले ही बना के रखा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं सब फॉर्म फिलअप कर दिया हूँ। तो अभी लास्ट बचा है पासबुक, अभी सबमिट कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख रहे हैं। तो ये मैं कर चुका हूँ दोस्तों, तो अभी यहाँ पर चेक मार्क है वहाँ पर अभी क्लिक करना है। उसके बाद में अभी यहाँ पर चेक मार्क में यस करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट OTP पर क्लिक करते हैं, वैसे ही आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वहाँ पर SMS चला जाएगा, OTP यहाँ पर फिल करना है। तो अभी तक मेरा पास में OTP नहीं आया है, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। अगर OTP नहीं गया है तो फिर से आप रिसेंड भी कर सकते हो दोस्तों। तो अभी तक फ़िलहाल में मेरा पास में नहीं आया है, थोड़ा वेट कर रहा हूँ। तो मेरा पास में OTP आ गया है और अभी मैं सबमिट का ऑप्शन में क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरा जो PF का एडवांस लोन था वो सक्सेसफुल हो गया है। इस तरीक़ा से आप PF का एडवांस लोन आप लोन मंगवा सकते हैं इसी तरीक़ा से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा।